और दोनों पैर हवा में उछाल के ऐसे करके दोनों पैरों से लात मारते हैं। ये देखो देवी जी कैसे लकड़ी लात दिला। देखो हनी, देखा देवी जी, मैंने बोला था ना आपको, बादल की ऊपर लेके जाऊंगा करके। वो नहीं दिखे शादी के बाद भी, मतलब कुंवारी टाइप के जो है स्किन रहते, इतना जबरदस्त ये चीज है। पारस सब लाइक अभी जवान सियान मन ला जय जोहर संगवारी। दिन की शुरुआत हो चुके, 6+ हो चुके, कल जल्दी उठ गए रहो। आज थोड़ा सा मोबाइल चला चला देखोगे, यहाँ पे देखो पीछे में जो सनराइज होने वाला है उसका नजारा देखो। ये देखो कितना बेहतरीन, जबरदस्त, सुंदर है कि नहीं। यहाँ पे देखो ये तरफ जो है ना आसमान है, पूरा धुंध है, यही जब ऊपर आते तो आसमान टाइप के दिखते, और ये तरफ देखो नजारा ये। और यहाँ पे हमारे आग जलाए की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संगवारी हो, कल जो मैं बांस मतलब सीढ़ी ला काटे रहे हूँ, अब आज और अब बढ़िया से और छिला था, काबर की मोटा मोटा ला जला में दिक्कत होते है, तो बढ़िया से पतला पतला छील दे तो भरर भरर मस्त जल थे। फिर जैसे ही आगे जली तुरंत मैं देवी जी बुला हूँ, देवी जी आ जाओ आगे जल गए करके, कबर की आगे ताप थे ना सुबह उठते उठते ही तब मजा आते। देवी जी देखो मैंने आपको बोला था ना, मैं बोले रहो ना कि ऐसे जगह लेके जाऊं जहां बादल से भी ऊपर लेके जाऊं। देखो संगवारी हो ये जो कोहरा दिखा ना, यही ऊपर से जब देखा ना तो वो बादल कोहरा ये है, वो बादल ही है। अरे हाँ, मतलब यही चीज ना बादल टाइप के ऐसे लगते है जब ऊपर, मतलब हम नीचे में रहता था और अभी हमन इतना ज्यादा ऊपर हन, लगभग 1000 फीट अंदाज के हिसाब से, बल्कि नीलकंठ खुद लगभग 900 मीटर ऊपर है और नीलकंठ से भी हमन ऊपर हन, तो लगभग 1000 फीट है यार, कोहरा नहीं। देखो हनी, देखा देवी जी, मैंने बोला था ना आपको, मैं बादल की ऊपर लेके जाऊंगा करके। देवी जी के लिए संगवारी हो पानी गर्म हुआ थे सुबह सुबह, ये दे और गर्म गर्म पानी से देवी जी हा मुंह धो ही से, मैं तो पी ले रहा हूँ अभी, और पीना है। सच में बादल है यार, कोहरा ये है। हाँ देखो ना, अब कोहरा बादल जैसा लगता है बोलते हैं। संगवारी हो काफी टाइम हो चुके हैं, यहाँ पे देखो ये बना थे चावल, आगे बारत बारत थोड़ा सही हो गए, और ये है दाल उबलने शुरू हो चुकी है, पानी भी गर्म हो चुके हैं। देवी जी नहा बर जा चुके हैं, मैं नहा के आ चुके हूँ, और देवी जी बोले हैं कि जैसे ही दाल उबलने शुरू हो ही टमाटर ला काट के डाल देवे, तो टमाटर काट लेता हूँ। इतना यहाँ पे ठंडा लगा था संगवारी हो, बहुत ज़्यादा, आज के 3 बजे में बैठे मन रखी। संगवारी हो कई बार ऐसे हो कि लकड़ी जलते जलते बुझ जाए, तो बाजू में चलत रही से गैस, तो वहां से मैं यहाँ पत्ताला जला के फिर से बार बार जलाऊं और ऊपर से पत्ताला डाला जाऊं। कटा चुके हैं, मैं डाल देता हूँ। तो संगवारी हो आज के खाना बन चुके हैं, मसूर दाल, आलू और टमाटर, और ये चावल अचार, और ये घी थोड़ा सा डाला जाएगा। देवी जी भी खाना खावते। ओम घमन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वद इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नोसखा आयं केवलागो भवति केवलादि। ओम शांति शांति शांति। संगवारी हो वहाँ के खाना पीना बहुत ही सिंपल रिस, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य वर्धक रही से। तो संगवारी हो सुबह हो चुकी है, खाना पीना भी हो चुके हैं, और अभी हम जाथन हथियार लेके आसपास के जंगल से लकड़ी लाबर कमर की ऊपर टोकर लिए जलाए भर। तो संगवारी हो इतना सारा सूखा लकड़ी ला के रख चुके हूँ, देवी जी भी वहाँ से थोड़ा सा पत्ता उठाते जलाए भर। ये देखो देवी जी कैसे लकड़ी लात दिला। ये क्या अटक गया यार? तो संगवारी हो हम ना फिर से ऊपर से वहाँ पे जावा थन, वो वाले जंगम हरा हरा जहाँ पे दिखा थे नीचे, और लगभग आधा घंटा लगी, कल आधा घंटा लगे रही से, आज देखो आज कितना टाइम लगी तेला। देवी जी आई थिंक आज जल्दी हो जाइए अगर आप नहीं रुकोगे तो।
ये देख। हाँ? इतना तो ये कभी हम तो ऐसे स्मोक लगा नहीं, इसमें भी हम आराम से जाते थे ना। अरे तो आज हमारा पांचवा दिन है देवी जी, अब आदत हो गई थोड़ा सी रिंगे के। दौड़ो घी, खूब सारा घी। तो संगवारी हो, मैंने फाइनली उतरने वाला है। नहीं, एक महीने बाद संगवारी को। कल आधा घंटा लग गया, लेकिन आज केवल 15 मिनट में हम ऊपर से नीचे आ गए पूरा। वैसे रोज करे ना। हाँ, वैसे 12 मिनट में नीचे आ गए देवी जी, लेकिन मैं भी आया जा सकता अगर रोज करे 5 मिनट। हाँ, 5 से 10 मिनट में, सही बात है। लेकिन देखिए, हम देखना कैसे लगता पूरा। वो प्रैक्टिस के ऊपर सब चीज़ डिपेंड करते यार। पहले दिन तो हालत ख़राब हो गई सब मन की। संगवारे वो देखो, ये हरे नारियल के लड्डू और जबरदस्त अहमद आचार्य जी है, इलायची डाले हैं, इतना जबरदस्त फ्लेवर आ रहा। खुद बनाएंगे सारी जो संगवारी हो। ये देखो, ये हरे च्यवनप्राश घर में बनाए हुए आचार्य जी बनाए हैं, कबर के आचार्य जी है, जो है आयुर्वेदाचार्य हरे। ठीक से पकड़ो यार, ये देखो जबरदस्त। देखो ये जो च्यवनप्राश है संगवारी, वो दिन खा रहे हो तो ये थोड़ा सा, ये मतलब पतला रिश्ते, ताज़ा बने रिश्ते। तो अभी एक जो जड़ी बूटी है ना, धीरे धीरे भीगत जाते तो फूलत जाते, तो यह मोटा हुआ जाते, प्लस दाना दाना हुआ जाते। हम लोकली इसको बना के बेच सकते हैं, अपना ब्रांड लगा के। अच्छा क्वालिटी के जो ये है ना च्यवनप्राश वाला, बनाए में और बेचे में, बना के अगर बेचना है तो 1 किलो लगभग 1000 रुपये के आसपास पड़ी, अगर वो मैं सही मात्रा में घी डाले जाए और जो जो इम्पोर्टेंट औषधि होते वाला डाले जाए तो। लेकिन मार्केट में 400-500-600 बिकते हैं। सोच, 1000 बोले क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, मार्केट में 400-500-600 रुपये में बिक रहा है च्यवनप्राश। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी है जो 200-200 रुपये किलो बेच रहा है। 200 रुपए किलो। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि वो लोग कैसे इतना सस्ता कैसे बनाए। जरूरी थोड़ी है कि हाथ जड़ी बूटी डाले। मार्केट में गेहूं से सस्ता जो है ना, गेहूं का आटा मिल रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? भूसी डाल देंगे और तो ये सब बहुत सारा झोल झाल चल रहा है मार्केट में। तो संगवारी हो, आज आचार्य जी के साथ काफी चर्चा हुई इसे जबरदस्त दवाई की। और आचार्य जी के पास ऐसे दवाई है जो एकदम शर्तिया, मतलब इलाज हो जाते। अगर कोई ला बीपी की समस्या है तो फिर 3 महीने में पूरा तरह से बीपी ठीक हो जी, है ना आचार्य जी? जी। और असर जो है पहली हफ्ता से ही दिखे के शुरू हो जाए, लेकिन 3 महीने में 100% कितना पूरा, थोड़ा ध्यान देना। हाँ, खान पान में ध्यान दे पड़ी भाई शुरू में, ओके बाद ठीक हो जाए पूरा 100%। ठीक है, प्योर देसी दवाई। हाँ, प्योर देसी दवाई है जो कि आचार्य जी खुद बनाते। यदि आप माला चाहिए तो मोला कॉल कर सकते हो 9111193541 में। ओकर अलावा और भी बहुत सारा चीज की दवाई है, हर चीज की ऑलमोस्ट। सवारी हो, शाम हो चुके है, 4:30 हो चुके हैं और इतना ज्यादा आज ठंड बढ़ चुके है ना, पूरे पीछे जो है ना, जो कोहरा बोलो या जो भी बोलो, इतना ज्यादा है। मैं पूरा कहाँ, अरे बाप रे, इतना ज्यादा कांपा था ना मैं आज। जनरली ना रोज जो है 4 बजे ठंडा बढ़े 4 बजे के बाद, लेकिन आज तो मतलब दोपहर से ही 2 बजे से ही ठंडा बढ़ गया। पीछे देखो ये, अरे अरे सच में, अरे मो हाथ एकदम पूरा कांप गया यार, कल इतना नहीं रिस पता है। जितना ठंडी से ज्यादा दिखाता है। अच्छा, इसका लड्डू भी बनता है। अच्छा, लड्डू बनता है। ये देखो संगवारी हो, ऐसे लगा थे कि कोई घर में हवो में है और घर के बाहर पूरा कोहरा छा है, लेकिन एक्चुअल में है ना पहाड़ में हवो। का पता कैमरा में दिखी कि नहीं दिखी? हाँ, ये देखो ये पहाड़, ये बीच में है वरना भी अभी नीचे इतना ज़्यादा कोहरा हो चुके हैं। अब यहाँ पे बीच में एक जन पड़ोसी के घर हवन, देवी जी चाय पीऊँ कहा थे तो वो माता जी है चाय बनावा थे, मनीष के मम्मी जी का। ये देखो कुछ नहीं होता है, किसी चीज़ के लिए है। मेरे घर में परसों चीनी नहीं थी, वो चापती नहीं थी। अच्छा, इतना परेशान था वो, फिर मरीज को उसी समय भेजा। चले क्या? अच्छा, पहाड़ी दूध के चाय। तो
आचार्य जी का बताते हैं कि खच्चर अगर देखना है। आचार्य देखिए, हाँ देखिए मतलब भाग जाना, क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ी खच्चर है वो दोनों पैर हवा में उछाल के ऐसे करके दोनों पैरों से लात मारते हैं। अच्छा। घोड़ा तो एक पैर से मारता है क्या? हाँ। लेकिन ये जो खच्चर है वो दोनों पैर से मारता है। चलो ठीक है, समझ गया, तुरंत भाग जाना। संगवारी हो, मनुष्य जी के मम्मी है चाय पिला दी से देवी जी ला। अब हमन जात हन फिर से ऊपर। ये देख ठंड इतना ज्यादा बढ़ चुकी है, हालत खराब हो चुके है। मोर आवाज ला सुन के आप मन अंदाजा लगा सकते हो। ये लो चलो 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 चलो, अरे देखो अपन नजारा। अरे कुछ दिक्कत नहीं हुई, कुछ लेके आऊंगी। तो संगवारी हो, हम आ चुके हैं ऊपर में, देख सकते हो पूरा अंधेरा हो चुके है। अंधेरा चावल हाँ, अरे नहीं दिखत, कैमरा में नहीं दिखत। तो चावल बन चुके हैं, यहाँ पे देवी जी बनाते हैं सब्जी। और यहाँ पे मैंने छुपा के रखा है आलू टमाटर। अच्छा, पहुँचने के लिए। तो संगवारी हो, खाना बन चुके है, चावल, यहाँ पे सब्जी, बीन्स और मटर और आलू, और यहाँ पे थोड़े से चटनी मिक्स करना है, मिक्स नहीं हो रहा है अभी। तो आज के वीडियो बस दूर तक। वीडियो आप मतलब कैसे लगे इस कमेंट करके जरूर बताओ। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इसमें छत्तीसगढ़ी में वीडियो देखना है ता सीजी के पारस ला सब्सक्राइब कर दो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो संगवारी हो, मैं आ चुकी हूँ अपन घर नवापारा में, और बैठे हूँ अपन दुकान में, अपन देख ही सकते हो, और ला चुके हो इतना सारा दवाई, देख सकते हो। ये है रहे बीपी के दवाई। अगर अपन बीपी के दवाई छोड़ना चाहते हो हमेशा के लिए तो 3 महीना एक यूज कर लो, बीपी के दवाई छूट जाएगी। और ओकर अलावा पीरियड से संबंधित अगर आप मतलब प्रॉब्लम है तो ओकर लिए भी है भाई ये दवाई। इतना सारा नहीं खाना है भाई, थोड़ा सा ही है। ये तो बहुत सारा बहुत जन के अरे पीरियड के प्रॉब्लम है, पीरियड कम आते या ज्यादा आते, पीरियड में दर्द होते हैं, तो आप मन एक यूज करो। और ये इतना जबरदस्त पावरफुल चीज है, अगर कुंवारी लड़की मन है इला कंटिन्यू खाही, ठीक है, कुछ समय तक, 3 महीना अगर खाली ना तो अगर पीरियड संबंधी का अगर प्रॉब्लम है तो ठीक हो जी, और अगर नहीं है प्रॉब्लम तो 3 से 6 महीना अगर कोई खा लेते तो कहते हैं कि चेहरा ना काफी समय तक जवान रहते, पीरियड के जो प्रॉब्लम हो के जो संभावना रहते लाइफ टाइम के लिए पूरा पूरा खत्म हो जाते, आगे चल के भी कोई पीरियड वाला प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन एकर अगर 6 महीना यूज कर ले जाए तो शादी के बाद भी चेहरा में मतलब चेहरा जो है जवान जवान जो है रही, जो ऐसे मतलब शादी के बाद जो चेंजेस आते ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आते वो नहीं दिखे, शादी के बाद भी मतलब कुंवारी टाइप के जो है स्किन रहते, इतना ज़बरदस्त ये चीज़ है। और अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है पीरियड के, अभी अभी पीरियड जो है ऊपर नीचे हो शुरू हो तो अपन येला पी सकते हो, है ना, ये खाली ये जूस अरे दवाई नो अरे, लेकिन येला पी से भी रिजल्ट आ जाते, और अगर बाल झड़ते तो भी रिजल्ट आ जाते। और ये एक छोटे बॉटल है, छोटे चाहिए तो भी मिल जाए, बड़े मिल जाए चाहिए तो भी मिल जाए, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, फ्री डिलीवरी है। फटाफट मोला कॉल करो 9111193541 में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।